जी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द टेल्स बाय कुमार। कैसे हो आप सभी? पता है यार, एक दो दिन से मैं व्लॉग्स नहीं बना रहा था बिकॉज मेरे को बैक में बहुत ज़्यादा पेन था। पता नहीं क्यों बैक पे पेन हो गया, शायद ज़्यादा देर बैठने से हो गया हो या फिर आई रियली डोंट नो व्हाट द रियल रीज़न। सो अभी मैं थोड़ा सा वॉक पे आया था एंड टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ नवरात्रि। कई लोग आज व्रत तोड़ते हैं, कई लोग कल तोड़ते हैं। आज नौमी है, कल दसवीं है। मम्मा जो है वो दसवीं को व्रत तोड़ती हैं बट नौमी को कन्या पूजन होता है। तो अभी तो मम्मा पाठ करेंगी, पाठ करने के बाद से वो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है ना वो करेंगी। उसके बाद से आज खाना पता है आपका भाई बनाएगा, सारा खाना मैं बनाऊंगा, मैंने मम्मी को पहले बोल दिया। और मम्मी का पाठ पहले ख़त्म होगा उसके बाद कन्या पूजन होगा। लाइक कन्या पूजन होने में अराउंड शाम के हो जाएंगे यार, 4 बज जाएंगे। और अभी जस्ट मैं निकला हूँ। पता है बेसिकली मैं निकला क्यों? एक्चुअली कल या परसों ही रिजल्ट आया ना UPSC CSE का। तो सीन ये है कि जो रैंक वन आए हैं सर, उनका नाम है आदित्य पांडे, इज़ फ्रॉम IIT कानपुर। और वो उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। तो अब मेरे में डंडा हो रहा है कि साले क्या कर रहा है वो बंदा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रैंक वन आ रहा है, तेरा कब आएगा? मैंने बोला एग्ज़ाम तो देने दो मेरे को भाई साहब, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अब तो। बट कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। रैंक वन का तो नहीं पता बट पास आउट होने की तो कोशिश करेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे अपन, इतने भी लोल नहीं है। अभी तो टाइम है यार, 1 टाइम है। ये वाला फॉर्म तो मैंने भरा ही नहीं है क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी तैयारी है नहीं, तो बेमतलब में फॉर्म भरने का क्या ही मतलब है। और रही बात पढ़ाई की, तो देखो मॉर्निंग का एक सेशन ख़त्म कर लिया। मैंने ये सोचा यार कि पढ़ाई इतना पढ़ाई मैं दिखाता हूँ बहन जो, बोर नहीं हो जाते हो तुम सारे? मैं एक दो बार खुद के वीडियोस देख करके बोर हो चुका हूँ भाई। पढ़ाई बकचोदी करो, जीवन में बकचोदी होनी चाहिए। बेमतलब में पढ़ाई कर रहे हो, किसी को इंटरेस्ट नहीं है बहन जो पढ़ाई में है। लोग तो सोचते हैं कि यार कॉलेज ख़त्म हो गया उसके बाद पढ़ाई नहीं करने को मिलेगा, बट नहीं। ये देखो, ओ भाई, ओ कुत्ता भैया, ओ कुत्ता, ये भी इग्नोर कर रहा है भाई। ओ महाराज, ये भी इग्नोर कर, बोलता है साले तुम बहुत पढ़ रहे हो, हम नहीं बात करेंगे तुमसे, जाओ 2-3 फॉर्मूला फेंक के मार दोगे तो। बट कोई बात नहीं, देखो कल मेरा व्रत था, आज मेरा व्रत नहीं है। अरे ये पता है, ये थोड़ी सी जो मूछ आ रही है ना, ये देख रहे हो, ये तो ये आती नहीं है, मेरी मूछ है ठीक है। और ये जो छोटी सी आ रही है, ये एक बाल निकल गया, ये बार बार मुँह में घुस जाता है। साला कुछ भी खाओ तो लगता है कि कहाँ से बाल टूट कर, कहाँ से नहीं मतलब कोई बाल जो है वो मुँह में आ गया। बट क्या ही कर सकते हैं, दाढ़ी हटाने का मन नहीं है यार मेरे को। मैं दाढ़ी हटा देता हूँ तो मैं मीठा लगता हूँ और मेरे को मीठा लगने का कोई शौक नहीं, तो दाढ़ी हटाने को सोच नहीं रहा हूँ। मुझे हटाई नहीं जा सकती, ये बाल मैं बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मन है। जैसे कोविड में मेरे बाल बड़े बड़े हो गए थे ना, वो मेरे को पसंद आ रहे थे बाल, मैं सोच रहा हूँ उसे बड़ा कर रखूँगा। या सोच रहा हूँ नवरात्रि के बाद ना ट्रिम करा लूँगा थोड़ी सी दाढ़ी, बहुत अजीब लगती है भाई। आप लोग बहुत मानो जिनकी दाढ़ियाँ भाई, कैसे संभाल के रखते हो, मेरे को तो खुजली होने लगती है बहुत ज़्यादा। देखो अभी चलते हैं घर पे चलते हैं, नाश्ता वगैरह बनाएंगे, कुछ तो करेंगे क्योंकि यार पापा का व्रत नहीं है। पापा को ना डॉक्टर ने व्रत वगैरह रखने से मना किया, उनको लास्ट टाइम BP की प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने बताया ही था, तब से डॉक्टर ने बोल दिया भाई व्रत नहीं लेना है आपको, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे खाना है, कुछ तला भुना नहीं खाना है एंड यही सब चीज़ें। तो पापा आजकल लौकी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, लौकी पे फोकस करते हैं। अभी उन्हीं का फ़ोन आ रहा है, उन्हीं से गाली पड़ेगी। मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है, आपसे मिलते हैं घर के। गेंडा स्वामी, अरे वो गेंडा स्वामी क्या हो गया? गेंडा स्वामी धूप में बैठे हो, गेंडा स्वामी इसकी ना तबीयत शायद नहीं है, धूप में पता नहीं क्यों बैठा हुआ। ठीक है, अभी अभी नहा के मैं आया हूँ और मम्मा वहाँ पे हैं, मम्मा पूजा की तैयारी कर रही हैं। और इसी में मेरे को आदेश मिल गया है, ये वाला जो कपड़े ना सारे, ये आज धुलने, मैं सोच रहा हूँ ब्लैंकेट्स भी सारे ले लूँ, जितने भी ब्लैंकेट्स पड़े हैं हर जगह, तो रुको एक बार ब्लैंकेट्स ले लेता हूँ मैं सारे। यार मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जहाँ पे कॉपी किताब रखता हूँ ना, ये सारे भी ब्लैंकेट्स उठा लूँ। वैसे मैंने बाकी बेड्स को तो नंगा कर दिया, मैंने सारे कप वो उठा लिए ब्लैंकेट्स, रुको इनको भी उठा लेता हूँ, सारे ब्लैंकेट्स को नंगा कर दिया एंड लेट अस गो टू द आंगन। ये है हमारा आंगन और ये कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण है, ये पूरा ही बंद करके रखते हैं हम हमेशा से, क्योंकि ये इस साइड में पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आवाज़ तो आ ही रही होगी। आ जाओ, ये धूल दे रहा है, ये धूल देख रहे हो यार कितनी धूल है। अरे भाई साहब नहाना बर्बाद हो गया मेरा, वैश अंदर धूल ज़्यादा ना हो। ये देखो इधर से पूरी धूल आती है। जस्ट डिसाइड हुआ है कि ये जो कपड़े हैं ना, ये हम रात में धुलेंगे। पापा ने ही बताया कि ये बगल में धुल देंगे, रात में सूख जाएगा।
शाम में बोल के ना रात में सुखा देंगे। ये होता है, ये होता है जो पर्सन प्रैक्टिकल होता है ना, जब प्रैक्टिकल नॉलेज होती है तो यही सारी चीज़ें को फायदा होता है, क्योंकि वहाँ से इतनी धूल आ रही है। बगल में एक्चुअली वो सीमेंट वाला काम चल रहा है पूरा, और वही सीमेंट उड़ उड़ के आ रहा है। वहीं पर रहने दीजिए, मैं ढक के रख देता हूँ, आप छोड़ दीजिए, मैं ढक दूंगा अभी। पापा छोड़ना भी तो आप ये कर दीजिए, तब तक मैं ये कॉपी किताब, भाई आज ये कॉपी किताब देख करके लगा ना कि मैं अपने आसपास, मतलब मैं जहाँ पढ़ता हूँ बेमतलब की इतनी सारी कॉपी किताब रखता हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। इन सबों को अभी को हटा दूंगा जब ये बेड वगैरह सही करूँगा ना। अभी ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आया हुआ है। बनाए नाश्ते में थोड़ी सी खिचड़ी, और खिचड़ी इसलिए क्योंकि पापा को मॉर्निंग में खिचड़ी खाना होता है, उनको थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बोला बहुत लाइट खाना खाना है, तो आज खिचड़ी बनी है। और देख के तो समझ में आ गया वो मसाला वगैरह है, तो पता है मैं अभी ढूंढ रहा थोड़ा सा मैगी मसाला, ये देखो, क्योंकि मैं ऊपर से डाल लेता हूँ थोड़ी से मैगी मसाले, बट द थिंग इज़ कि पापा नहीं डालते, क्योंकि पापा ज़्यादा मसाला वगैरह खाते नहीं है। और तुमको पता है लास्ट ईयर क्या हो गया था ना, कि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लाइक 230-240 से नीचे ही नहीं हो रहा था, बट गुड टच अभी विद द गॉड ऑफ ग्रेस, ग्रेस ऑफ गॉड, बहुत सही चल रहे हैं पापा। अभी उसमें बीपी वगैरह हाई नहीं है, मैं पता ऐसी कम ही करता हूँ घर में, ऐसी हरकतें नहीं करता हूँ जिससे पापा को गुस्सा है। तो पापा ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं खाते, दैट्स व्हाई मैं ऊपर से थोड़ा सा मैगी मसाला वगैरह डाल लेता हूँ, अरे निकलना यार, ताकि क्या हो ना ये पापा भी आराम से मज़े में खाएं और मैं भी, मैं दिखाता हूँ एक सेकंड, ये देखो एकदम ही बिना मसाले की खिचड़ी है, थोड़ा सा मतलब हल्दी वगैरह पड़ा हुआ है। और मेरा कल व्रत था, आज व्रत तो था नहीं, तो मैंने सोचा ना, मतलब मम्मी को ऐसे ही बोल दिया यार जो भी बनाओगे मैं खा लूँगा, तो मम्मी ये लौकी वगैरह डाल करके बना दी। मेरे को कतई लौकी नहीं पसंद है, और अभी पता है 2 दिन पहले मेरी मम्मी से ना लड़ाई हो गई थी, लौकी 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 3 टाइम लौकी, सिर्फ लौकी। बट अब देखो नवरात्रि खत्म हो रही है, मम्मी वहाँ पे माता जी की सेवा में लगी, मम्मा इधर देखो, तो ये मस्त एकदम सेवा शुश्रूषा में लगी हुई है। बट हम तो खकुआ इंसान है भाई, हम तो खाएंगे ढेर सारा खाना। क्या हो पापा कुछ सोच रहे हैं? अभी इसको निपटाते हैं और फिर थोड़ा सा कॉपी किताब एक जगह रखेंगे, ठीक है। अभी 9 ही बज रहे हैं यार, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना काम, ये वाला जो था जो मेरे को मिला था कि भाई खाने वगैरह थोड़ा सा देख लूँ मैं। सो मैंने बताया अभी को ये आलू चढ़ा दिया है, ठीक है, चूल्हा जल रहा है, ऐसा नहीं चूल्हा बंद है, ठीक है। और यहाँ पे दूध डाल चढ़ा दिया मैंने ताकि ये गर्म हो जाए, फिर खीर बनाऊँ इसमें। तब तक काम करता हूँ, मैं टमाटर वगैरह काट लेता हूँ ताकि फिर जैसे ही आलू बॉयल हो मैं उसकी सब्जी बना दूँ और आटा लगा लेता हूँ। तो जी गाइस, अ लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन। मैंने यहाँ पे खीर जो चढ़ाई थी बनने के लिए वो अराउंड बन के अप्रॉक्स तैयार हो गई है, ठीक है। अभी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालूंगा, ये रही हमारे टमाटर की सब्जी, और अभी वो चना बनने के लिए यहाँ पे चना फुला के रखा हुआ है, और अभी आटा लगाना बाकी है। मम्मी भी आ चुकी हैं, आज साथ मिल के काम करेंगे। और मटू बेटा, सब्जी लगभग बनी गई है, थोड़ा सा मैंने पानी एक्स्ट्रा डाल दिया था, तो मैं तीन डाला है, 4 डाला है, और मैंने थोड़ा सा पानी एक्चुअली इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया था, तो मैंने क्या किया ना कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, सॉरी पानी एक्स्ट्रा डाल दिया था, तो अब मैं इसे ऊँचे आँच पर ना पका रहा हूँ कि यार ये पानी थोड़ा सा जल जाए, ताकि ये सब्ज़ी पता थोड़ी सी मज़ेदार सी बन जाए। वैसे ये क्या था कि चावल अभी बनने वाला है, पर वो दूध लग रहा है कि जैसे नीचे से लग जाएगा, तो मम्मी ने डाल दिया है पानी। और अभी चने वगैरह तो मम्मी देख लेंगी, मैं जा रहा हूँ ये सब्जी बाहर रखने थोड़ी देर, और जब हवन होता है तब तो मैं हवन का दिखाता हूँ। तो जी गाइस, पता है अभी जस्ट आरती ख़त्म हुई है, अब जा रहा हूँ कन्या भोज के लिए मैं लड़कियों को लाने। यार पता है क्या, यहाँ के लोग ना मॉर्निंग में ही कर लेते हैं, मतलब मम्मा जो है पूरा पाठ वगैरह पढ़ के फिर करती हैं, अब ऐसा ना हो कि बच्चियाँ सो गई हैं, लेकिन मैं दुस्त हूँ, मैं सबको उठाऊँगा, बट मेरे को नहीं लगता ये लोग सोए होंगे। कनक, ओ कनक, भाभी भेज दो दोनों को। निहाल, निहाल चल चल, है नहीं चल, तू क्यों भोग रहा है? मैं नहीं डरता तेरे, नहीं डरता, नहीं डरता, चल ना आजा। ये पिद्दा मेरे को डरा रहा है, बताओ ऐसा है तू, वोडाफोन का तो पता
मैं जा रहा हूँ चारू को, मैं वापस आ रहा हूँ तब तक तैयार हो जाओ। मैंने इन दोनों को बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बस इन दोनों को बोल दिया, इन दोनों को बुला ले। देखो ये होते हैं फायदे जब तुम रेगुलरली, तुम्हारी दोस्ती होती है ना, कट कट तैयार हो जाते हैं। देखो तीन लोगों को यहाँ से जोड़ लिया, चौथी चारू है, चारू को बुलाऊंगा। चारू को भेज दो, कहाँ गई है, हाँ कब तक आएगी, अभी जस्ट आई गई है। अरे यार उसको निकाल के ले आओ, उसको निकाल के ले आओ, कन्या पूजन के लिए चाहिए थी यार वो। चलो कोई बात नहीं, मतलब मैं लेट हो गया, नहीं तो मैं लेते चला जाता ना। चलो कोई नहीं, देखता हूँ भाई, मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं, किसी और को पकड़ते हैं, पकड़ना तो पड़ेगा, किसी को तो पकड़ना पड़ेगा। तूने आंटी वाला ड्रेस उतार दिया, ये भूत सा लड़का यार, अपनी छोटी बहन को भी ले ले, कहाँ गई है, अरे भाई साहब ये ऐसे बिदकी सी है इसकी बहन, तीन चार साल की है, तीन साल की है, उसे प्ले स्कूल भेज दिया, घर में ही खिला लिया कर यार। मतलब तुम पैसा मुनीम जी हो क्या तुम लोग, आओ चलो ढूंढता हूँ मैं, घर आ जाना भैया, छोटी को बुला दो कन्या पूजन के लिए। अब तो भैया वहाँ जाना है, दो मिनट लगेगा, बस दो मिनट में आ जाएगी, हाँ जी चलो ठीक है, कोई अंकल जी पूछ लो, अंकल छोटी को भेज दो कन्या पूजन के लिए, कन्या पूजन के लिए भेज दो छोटी, हाँ पाठ अभी खत्म हुआ ना मम्मी का, भेज देना ना। पता अभी मैं एकदम वो कर रहा हूँ, फिश हंटिंग कर रहा हूँ, जो मिल जाए जैसा मिल जाए, बस जैसा इन द सेंस जो मिल जाए, जो भी फ्री हो अभी के टाइम। अब तीन बज रहे हैं दोपहर के यार, क्योंकि देखो मैक्सिमम लोग या तो ट्यूशन चले गए हैं या तो सो गए हैं। देखो तीन जगह तो बोला है, तीन लोगों को मैसे मिले हो, भाभी छोटी को भेज दो ना, 102 हाँ जी हाँ जी। तो जी गुड इवनिंग गाइज, राइट नाउ द टाइम इज 8 PM और पता है मैं अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ कन्या भोज के बाद, जो सफाई वगैरह होती है, फिर बर्तन साफ करना, उसके बाद से मैं मार्केट चला गया, टुडे इज वेंसडे, तो आज वेंसडे मार्केट था, तो उससे अभी जस्ट आया हूँ, अभी 8 बज रहे हैं। और पता है इसके कारण, पता है मेरे बैक में थोड़ा सा पेन पहले से था, मैंने डिस्कस किया ही है इस बारे में, और अब भी पता है थोड़ा ज़्यादा पेन होने लग गया मेरे को, बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन हो रहा है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, आपको अगर इच्छा हो तो आप जा करके मेरे न्यू और जो ब्लॉग्स हैं चैनल पे आप वो देख सकते हो, मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप जा करके वो ब्लॉग्स देखो, और मिलते हैं जल्दी ही आपके से एक न्यू डे में एक न्यू ब्लॉग के साथ।